नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो सही राशि के लिए है। जून 2013 कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करेंगे सूर्य महाराज के बारे में। 15 जून तक सूर्य महाराज जो है वो वृषभ राशि में है, जो कि राशि से दसवें स्थान में है, जो राजयोग करने वाले हैं। मंगल भी यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, वो भी बहुत शुभ है। बिजनेस में करियर में उनकी होगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपका एप्रिसिएशन होगा, अपर लेवल से आपको लाभ मिल सकता है और गवर्नमेंट में भी आपको मान सम्मान वृद्धि होगी। सूर्य 15 जून के बाद जाएंगे मिथुन राशि में, जो कि आपके चंद्र से 11 स्थान में चलने वाले हैं, वो भी बहुत शुभ है, राजयोग कारक है। बुध गुरु और शुक्र भी यहाँ चल रहे हैं मिथुन राशि में 11 स्थान में, वो भी बहुत शुभ है, मित्रों से लाभ रहेगा। शनि और राहु चलेंगे आपके पराक्रम स्थान में, जो कि वो भी बहुत शुभ है, आपके साहस में वृद्धि करने वाले हैं, साहस से आपको लाभ करवाएंगे। और केतु चलेंगे 9th हाउस में, जो कि आपको छोटी छोटी यात्राओं से लाभ करवा सकते हैं। खास करके आपको डेट स्क्वायर करना है जून महीने में 12 और 13। 12 और 13 में जो चंद्र है वो कर्क राशि में रहते हैं। कर्क के जो चंद्र है वो राशि से 12वें स्थान के चंद्र है। 12वें चंद्र में अनएक्सेप्टेड एक्सपेंस आ सकता है, खर्च ज़्यादा हो सकता है और कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको नहीं लेना है। डेट्स आपको क्लियर करना है 21 और 22। 21 और 22 में जो चंद्र है वो चौथे स्थान में चलेंगे। चौथे स्थान के चंद्र के अंदर आपको अननेसेसरी टेंशन बढ़ सकती है, तो कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है टेंशन में, खास करके प्रॉपर्टी का कोई कार्य नहीं करना है। और डेट्स आपको क्लियर करना है 29 और 30। 29 और 30 में जो चंद्र है वो मीन राशि में रहते हैं। मीन के चंद्र जो है वो अष्टम स्थान के चंद्र है। 8वें चंद्र में आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में केयर करना है। ऐसे ही देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पर, कॉमेंट्स करिए हमारे चैनल पर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल। All the best.